और वायु प्रदूषण को देखते हुए इस बार फतेहपुर में कुछ खास और इको फ्रेंडली पटाखे बिक रहे हैं। इस बार कम प्रदूषण वाले पटाखे बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं, जिससे दुकानदार बेहद खुश हैं। व्यवसायियों ने इस बार कम प्रदूषण वाले पटाखों को खास तौर पर मंगा रखा है। इन पटाखों में आवाज वैसी होगी लेकिन कम धुआं उठेगा। अनार, बम, रंग बिरंगी फुलझड़ियां, हवाइयां, चक्री और पेंसिल आदि पटाखे स्थायी पटाखा दुकानों की रौनक बढ़ा रहे हैं। बाजार में कारोबारी भी वायु प्रदूषण की गंभीरता को समझ रहे हैं और लोगों में भी इसको लेकर जागरूकता दिख रही है। दुकानदारों ने बताया कि हम लोगों ने भी इस बार ग्रीन पटाखे ही लेंगे और इसका उपयोग भी कम करेंगे ताकि वायु प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका। जनपद में 94 स्थायी लाइसेंस धारक हैं। इसके अलावा अस्थायी लाइसेंस के लिए सदर तहसील में 170 के लगभग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं और खागा में 80 और 80 की लगभग बिदकी में है। इस तरह से 300 के लगभग अस्थायी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। के दुकानदारों को भी प्रमोट किया है हमने कि वो ग्रीन पटाखे लाएं और लोगों में ज्यादा प्रचार प्रसारित करें कि वो ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें और कम से कम मात्रा में त्योहार के वक्त ही उन पटाखों का प्रयोग किया जाए। जैसा कि हम लोग को गाइडलाइन दी गई थी कि इस बार आप लोग को इको फ्रेंडली पटाखों का कलेक्शन करना है, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, तो उसका ध्यान रखते हुए हम सभी व्यापारियों ने इको फ्रेंडली पटाखे ही लेने की कोशिश करी है और लगभग सभी इसमें कामयाब भी रहे, जिससे कि हमारी प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम हो, ध्वनि प्रदूषण कम हो, तो बहुत ध्यान रखा हम लोगों ने इससे। हम लोगों ने इस बार दीपावली में बहुत ही हल्की किस्म की आवाज़ के पटाखे और कम से कम प्रदूषण वाले पटाखों का ही बिक्री सोच करके खरीदारी की है और हम चाहते हैं कि समाज के लिए कोई भी पटाखा नुकसानदेह ना हो, धुआं ना हो।